ना आरजेडी को वोट दीजिएगा ना बीजेपी को, कोटा को दे दीजिएगा, लोटा सब देंगे हम लोग, देंगे कुत्ता के वोट दे देंगे, लेकिन निर्दलीय वाला को दीजिए। हां हां, विकास नहीं है। और कहते हैं कि एमपी एमपी तो चंद्रवंशी जी 5 साल जीते थे, हम तो चिन्हबो ना करते हैं। जी एक बात बताइए, क्या माहौल है यहाँ के गांव का? यहाँ तो हमारे दादा मर गए, हमारे बाप मर गए। सुदय जी के वोट नहीं पड़ता, लालू जी के गरीब के कारण मसीहा कहला तो उसको वोट पड़ता है। सुदय जी को वोट नहीं पड़ता, लालू जी को पड़ता है। यहाँ लोटा छापर दे देंगे, नोटा पर वोट दीजिएगा। हाँ, नोटा पर, कोई नेता हमको पसंद नहीं, कोई नेता। का नाम हुआ भैया? अनिल कुमार। अनिल कुमार, डेंजर जिला जहानाबाद में से। जहानाबाद को डेंजर जिला सब कहा जाता है। नेतावन है कि रुपया दे के भोरा भोरा भाग जाए, रुपया लेके रुपया लेके वोट दे में ही तो विकास कैसे होता है? नीतीश जीतल है, कहे ना मिलकर रोड बना दे, नाला बना दे, केम पार्टी वाला के वोट देबे? नीतीश के ना देबे, नीतीश के ना देबे। नेताजी के नहीं पता चला है, नेता नेता मार गए, नेता मार गए, जीता है, नेता बना है ना, जो लोग यहाँ वोट ले ले है आ जीत जा है, आ जीत के आ अपन घर जाके लुक जा है। अच्छा, मत क्रिएटिंग जनरेशन ऑफ थिंकर्स एंड इनोवेटर्स। शमफोर्ड स्कूल, फ्यूचर ऑफ इस्लामपुर, क्लास नर्सरी टू 10+2, सर्टिफाइड बाय बिहार गवर्नमेंट टू बी एफिलेटेड बाय द CBSE न्यू दिल्ली। और फैसिलिटी, गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, CCTV कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं, नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के एक गांव में, और इस गांव का नाम है हसौरा। और हसौरा जो गांव है वो जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में आता है, और यहां के जो सांसद हैं वो चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हैं। हम लगातार दूसरे गाँव में जा करके वहाँ के जनता से हम क्या बोलते हैं कि आक रहे हैं कि उनके जो सांसद जी हैं वो पिछले 5 सालों में क्या काम किए हैं। और यहाँ के जो सांसद हैं वो चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हैं, और इन लोगों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार पिछले 5 वर्षों में क्या किए हैं। गर्मी पूरे बिहार में और पूरे देश में एकदम चरम पे है, और राजनीति भी गरमाई हुई है। तो इसी बीच हम आप पहुँचे हैं हसौरा गांव में, और हसौरा गांव के ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिरकार इनके गाँव में क्या विकास हुआ है, विधायक जी क्या काम किए, क्योंकि विधायक जी का भी चुनाव है 2025 में, और कुछ महीना बाद यानी कि आखिरी चरण में जहानाबाद में संसद का चुनाव है। तो यहाँ पे दर्जनों की संख्या में ग्रामीण हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या क्या काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में। गर्मी बहुत है और चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है। वो दादी है पूरा एकदम गुस्सा में। की नाम बोलू दादी? हमारा नाम, हाँ, सुनमतिया देवी। सुनमतिया देवी, एक बात बताओ, तू बड़ा गुस्सा में ना नेताजी पर, का काम होलू 5 साल में? कुछो ना है? कुछो ना। तो का चाहानी तू, का चाहानी नेताजी से? का चाहानी? रोड चाहानी, नली चाहानी, या कुछ चाहानी? अच्छा, कभी 5 साल में नेताजी देखे हो खेलखुन तो हनी? कैसे? कोई नहीं, कोई ना, खाली वोट लेवे ला आवे दवगल। हम हुए जो तोरा लगलो की वोट लेवे ली ना, खाली वोट लेवे आता। इधर 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 आवे ना दादी, इधर इधर। चापाकल मिलवे ने कर लिया, रोड कैसे बन गेले? चापाकल नहीं मिला, रोड तो दूर की बात है। सब रोड तो दूर की बात है, चापाकल मिले पहले। अपन घर में रुक जाए। हाँ, नेता बना है ना, जो लोग यहाँ वोट ले ले है आ जीत जा है, या जीत के आ अपन घर जाके लुक जा है। अच्छा, मतलब कि जनता के वोट ले ले है 5 साल एकदम ऐश कर है? ऐश कर है, कुछ नहीं इस गांव में, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं व्यवस्था, कुछ नहीं है, उनके राह चले में न बने। अच्छा, बरसात उरसात में? कुछ बरसात नहीं, इतना हिल पाका में जाओ आवो, मतलब देवी स्थान जाने के लिए रास्ता नहीं है, आने जाने में बरसात में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। देवता देवी करने हम इनके बने है, जैसन गांव है। उठा उठा अभी तो सब नेता जी के नहीं पता चला है? नेता नेता मार गए, नेता मार गए, जीता है जी। अच्छा, यहाँ के अभी सांसद के चुनाव हुआ थे कुछ दिन पहले बाद, तो केरा वोट देम ही?
केकरा जकरा देवेला जे हम इनके रोड आ नाला बना देथि ना हुनका वोट दे देबे त उ तो हर बेरी जे आवत जे बोलत के हम बना देबे तब ना देबे ओकरा से ना देबे। अच्छा यहां से चुनाव लड़लखिने लालू यादव के पार्टी से लड़ल है एगो लड़ल है नीतीश कुमार के पार्टी से त के पार्टी वाला के वोट देबे त नीतीश के ना देबे नीतीश के ना देबे नीतीश के वोट नहीं दीजिएगा ना कोई रोड ना बना कथी नहीं तो कोई के वोट हम नहीं देबे इतना दिन से नीतीश जीतल है काहे ना इनके रोड बना देखे नाला बना देखे चापा कल के लिए। सबसे पहले कि हमारे टाउन से 3 किलोमीटर जहानाबाद का जिगर का टुकड़ा है ये ना। पहले सुनिए कोई हम न्यूज 18 आप न्यूज नालंदा दर्शक सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं धन्यवाद आपके। सुनिए सुनिए पहले सबसे पहले न्यूज 18 से लेकर हर एक खबर तक बताइए 10 साल से हर एक बार संसद से विधायक आता है तो ये बहुत बोलता है कि रोड बनवा देंगे। कब बनवाएगा भाई यहाँ इस समस्या नहीं है। आप दूसरा बात कि चंद्रवंशी जी के तो लगता है कि लापता हो गए हैं। अब चुनाव आता है ना तो आज ये नहीं सब चैनल पूरे पूरे गाँव में उनका विरोध हो रहा है। कारण क्या इसलिए विरोध हो रहा है कि गाँव में तो कभी आवे नहीं करते हैं कहाँ नली टूटल है गली टूटल है पक्का मकान चाहिए क्या चाहिए एकदम अपना आयस करते हैं। हाँ हाँ एक बार कोई मन ही काज करता बुलाए अब फंक्शन में चुनाव के बारे आता है तो आते हैं तो ऐसे थोड़ी वोट पड़ता है। सब का हिसाब होगा ना। हाँ अब की हिसाब भी होगा और किताब भी होगा। सोचिए कि एक गांव यहाँ पर बूथ है मैंने 1000 मतदाता है 1000 से हार और जीत होता है एक वोट से होता है भाई। तो इस गांव के मतदाता समझिए को मैंने के देखने तक भी है संसद के मतलब क्या मतलब कि नेताजी आप लोग को बंधुआ मजदूर समझ। हाँ हाँ वही बंधुआ मजदूरे है समझ लीजिए मजदूरों से दब समझ लिए हम इस मुद्दा नहीं हम हमें से इसी मुद्दा जब अथी जब वोट नहीं तो रोड नहीं तो ये बैनर छपेगा और जैसे हम लोग का अधिकार है उस राइट करके प्रेस के माध्यम से एकदम जहानाबाद में दिखावा जाएगा खास करके। अब सोचिए ना कि जहानाबाद शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है 1 किलोमीटर की दूरी पे है और इस गांव में आने के लिए सड़क नहीं है तो विकास की तो बात छोड़ ही दीजिए और अलग अलग गाँवों में बहुत सारे लोग हैं हम सभी से वार्तालाप करेंगे। क्या भैया क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है। हाँ ठीक है रोड बनेगा तब वोट पड़ेगा। रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं पड़ेगा। अभी तो आचार संहिता लगा लाको आचार संहिता का बाधे होगा लेकिन कुछ कहेंगे ना। हाँ यहाँ पर जो आएंगे वोट लेने के लिए तो जरूर कुछ कहेंगे। अच्छा मतलब कि आप लोगों से इतना भेदभाव का होता है बगल के हैं जहानाबाद के पता न क्या सोचते हैं नेताजी आप लोग को नहीं पहचानते हम लोग बाइली है ना चुनाव आता होगा तो आ जाते होंगे वोट मांगने। अबरी साहब का हिसाब किताब होगा है ना है ये है साहब का हिसाब किताब। सोचिए ना भाई मतलब कि आने में कभी इधर कभी इधर कभी हाँ फुसला के भाग जाए ऐसा नहीं नेतावन है कि रुपया दे के भोरा भोरा भाग जाए रुपया लेके तो रुपया लेके वोट दे तो विकास कैसे होता हम ना बोल रुपया ली रुपया का भूखल नहीं है तो अभी विकास करे वाला के चुन मही अब ये काम करेगा उसको वोट दीजिएगा बस नहीं वोट नहीं पड़ेगा सर सबसे लोटा में वोट दे देंगे हमारा लाइक सांसद रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं पड़ेगा। दादा है एकदम बैठल है का दादा का नाम होलो हमारा मोहा यादव नाम है मोहन यादव मोहा यादव मोहा यादव ने जी। अच्छा एक बात बतावा चुनाव आगले है एकदम सर पर है कि 2 महीना के बाद चुनाव होगा तो नहीं का माहौल है अबरी है लालू जी माहौल हमारा नली गली रोड ये सब बन जाता देख रहे ना वोट दे भाई अब तो चुनाव में आचार संहिता लग गया अब तो बनतो ना बनते ना अब बन तो चुनाव के बाद है ना अब बंद। हाँ तो ना वोट मिलता है वोट नहीं मिलता है ना यहाँ लोटा छापर दे देंगे नोटा पर वोट दीजिएगा। हाँ नोटा पर कोई नेता हमको पसंद नहीं कोई नेता नहीं सब नेता लुटेरा है सब लुटेरा है ऐसे घड़ी वोट लेवल आवेगा आप फिर होल खियो देता है। अच्छा अगर चुनल जाए बतावल जाए तोरा कि वो नीतीश कुमार के पार्टी से चंदेश्वर जी अखुन तुहानी के सांसद और आरजेडी से वो अलखुन है अथी यादव जी यादव जी हथे जात हथे त खा ल दे लेत न यादव जी कि न तोरा खाए लगी न दे लके ने ना ना टूट गेला अभी रोड बनली है कहियो कहियो न रोड बनलो ना कभी ना कभी ना कभी ना। अच्छा पेंशन मिला को पेंशन पेंशन तो मिला है पेंशन मिला है ना लेकिन रोड नली गली नहीं ना ये सब नहीं बना ये सब के लिए आप लोगों को नाराजगी है ना। हाँ हाँ एकदम एकदम और भी बहुत सारा लोग यहाँ पे हम इधर आइएगा भैया पूरा एकदम चंदन टीका इधर 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 आओ ना हमारा अरे इधर आइए ना भाई का नाम हुआ
अभिषेक कुमार। अभिषेक जी एक बात बताइए, क्या माहौल है यहाँ के गांव का? यहाँ तो हमारे दादा मर गए, हमारे बाप मर गए, अभी खाली नहीं। अब जहाँ बोले बोले हाँ अच्छा एक बात, चार साल से टांग बिजली ये तो इस लाइन नहीं आया है। हाँ बताइए कितना होते जूता के बाद चंदेश्वर जी पे आप लोगों को नाराजगी है? हाँ, और दोनों बाजू को कोई पार्टी आए उसमें नहीं, हमको ना आरजेडी को वोट दीजिएगा ना बीजेपी को, कोटा को दे दीजिए, लोटा सब देंगे हम लोग, देंगे कुत्ता के वोट दे देंगे, लेकिन निर्दलीय वाला को दीजिए। हाँ हाँ हाँ, निर्दलीय वाला के लोग वोट देंगे। अच्छा आप लोग के लिए क्या काम हुआ जहानाबाद में? हम लोग जहानाबाद, हम लोग बताइए ना, हम लोग देश से ज्यादा आजाद हुआ है, हम लोग को दादा मर गए हैं, मर गए खटिया में टांग के ले जाते हैं, ले जाते हैं दिखाने के लिए, बरसात में तो पानी लगता है, सूर्य के ऊपर परेशानी होता है, सुनिए आप लोग। पाँच साल बीत गया लेकिन एक बार भी आप लोग को देखने नहीं? अरे अब यहाँ तक आपने नहीं किया, सकल देख देखे हैं अगला? अच्छा चुनाव मांगे वोट मांगे तुम तो कहा होते, जूता के बारे में रहो होगा, जूता के माला पे ना, हमको लगता है कि आएंगे क्योंकि चुनाव है तब तो आएंगे ना करेंगे। हाँ तो उसको देखिए ना आप जूता में, भाई सब लोग एकदम नाराज है, कहा दादा क्या सोच रहे हैं? क्या सोचे, तू सही बोला कि तीन चार पीढ़ी मर गया जब से 1947 में देश आजाद हुआ, जब से यहाँ रोड नहीं बना, नाली गाली एगो वार्ड थे बनाए बेचारा को 29 वार्ड में थे मियाँ जी, पहले आज से 10 साल पहले वही टूटा फूटा। अच्छा ये नगर परिषद है कि नगर निगम है? नगर परिषद में है ना ये? हाँ। नगर परिषद का गांव है फिर भी विकास नहीं हुआ है। अब मात्र डीएम जो डीएसपी साहब रहते हैं वहाँ से बगल में 500 गज के दूरी पर ही गांव है जहानाबाद टाउन से, टाउन से उसके बावजूद भी विकास से अछूता है, विकास नहीं है। और कहते हैं कि एमपी एमपी तो चंद्रवंशी जी 5 साल जीते तो हम तो चिन्हबो ना करते हैं। अब सुजय यादव है वो पड़ी मकान में रहता है, बाकी कुछ हो नहीं किया गांव में। तो मतलब कि पार्टी को इस बार वोट नहीं पड़ेगा जहानाबाद में, आप लोग ये बोल रहे हैं? हम लोग नेता के और गति करना है नेता के, हमारी सब हिसाब हो, मोबाइल उझील दे, कोई चप्पल पहना दे, आवेगा तभी होगा। अब वोट तो नहीं देंगे हम, निर्दलीय से कोई खड़ा हो जाएगा उसको दे देंगे ना, लोटा छाप पर दे देंगे, बहिष्कार कर देंगे। नोटा होगा दादा, लोटा नहीं होगा, नोटे होगा, ओके मैंने नेता के ना देवा ना। 5 साल में काबिर खुनल चंद्रवंशी जी मिले लगी? अरे कोई ना आवे भाई, चंद्रवंशी या सुजय ज्यादा विधायक अभी है ना आरजेडी के, तेजे तो घर है, कहाँ कोई आता है? कोई नहीं आता, कोई आप, नहीं। आप वोट मांगे के समय लाभ नहीं थी साहब, तब अथिन तक काम की था जूता का माला, 50 बरस से रोड न बने थे, वोट कोची के मांगा है? हाँ भाई आप लोग तो तब बनता है मैंने काम कर ला ना, नगर विकास करना या जिला परिषद जीता है तो गाँव घर समाज सेवा करना, तो यहाँ तो कुछ है ये नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कौन सा गांव है? हसौरा, हसौरा नंबर 29, वार्ड नंबर 29 गांव का नाम है हसौरा, कोई काम नहीं हुआ। एक युवा भाई बगल में बैठे हुए हैं, युवाओं के लिए क्या काम हुआ पिछले 5 वर्षों में 10 वर्षों में या फिर आजादी के बाद? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं हुआ जहानाबाद में? नहीं नहीं, आप लोग क्या चाहते थे भाई साहब? हम लोग चाहते थे रोड, सड़क, बिजली, पानी और जो हमारा स्कूल का स्थिति है वो भी देख लीजिए। अच्छा यहाँ स्कूल भी टूटा फूटा हुआ है। अच्छा मतलब कि एजुकेशन का भी अभाव है? एजुकेशन का भी अभाव है, जब से जहानाबाद जिला बना है उस दिन से नगर परिषद में है, जिला परिषद में है, उसके बावजूद भी हमारा गांव का स्थिति इस तरह है कि सड़क पे पानी बहती है, नलियां नहीं है, गली नहीं है, सड़क का स्थिति बहुत जर्जरा है। मतलब कि आप लोग के पास समस्या परंपरा है लेकिन नेताजी उस समस्या को समाधान करने के लिए नहीं? नहीं नहीं, सब सिर्फ अपना समय आता है तो वोट मांगने आते होंगे, उसके बाद 5 साल अंडरग्राउंड बस वही काम है उनका, वोट लेता है उसके बाद अपना बस सेकता है रोटी और उसके बाद चला जाता है, फिर चुनाव आता है फिर आएगा सेकने। चलिए लोग बताते हैं कि जहानाबाद जिला को डेंजर जिला, अब डेंजर जिला है भाई उसलिए हो सके इसलिए नेताजी नहीं आते होंगे। क्या नाम हुआ भैया? अनिल कुमार। अनिल कुमार, डेंजर जिला जहानाबाद में से, जहानाबाद को डेंजर जिला सब कहा कहता है? सिर्फ गलत प्रचार किया गया है, जहानाबाद डेंजर नहीं है, जहानाबाद डेंजर जिला नहीं है, गलत प्रचार किया गया जिला के नाम पे। सबसे अच्छा जिला है, सबसे शांतिपूर्ण जिला है ना बिहार में, 38 जिला सबसे बेहतर जिला जहानाबाद जिला है, फिर भी लोग इसको एकदम हवा बना दिए हैं ना। जिस दिल्ली में देखिएगा सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन जिस दिल्ली में जहां जिला से आता है, पूरा बिहार में तीसरा नंबर पे है। अच्छा सबसे बढ़िया जिला को तो सबसे खराब का है कि गाँव की स्थिति? ये हमारे नेता का दिन है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे जदयू के नेता हो, कोई नेता काम, कोई नेता काम नहीं करते हैं यहाँ पे। पिछले 5 साल से भाजपा के जदयू के चंद्रवंशी जी हैं, सांसद हैं, यहाँ तक किसी से मिलने तक नहीं आए हैं ग्रामीण से। विकास तो दूर की, विकास तो बहुत दूर की बात है, क्या रोड बनाएंगे? कोई नहीं जानता मेरे गांव के लोग चंद्रवंशी जी कौन है। अच्छा तो पिछले बार आप लोग तो वोट दिए होंगे?
जी दिए थे दिए थे, उम्मीद होगा कि विकास होगा। उम्मीद था और मोदी ही प्रचार किए थे कि बहुत हर शहर को स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट गांव तो बहुत दूर की बात है, किरा नली नहीं तक बना, कुछ नहीं है। मतलब कि आप लोग को एकदम बगलाया गया, फिर साइड कर दिया गया, चुनाव जीतने के बाद हटाया गया और फिर चुनाव आ गया है। फिर मोदी जी बोलेंगे कि स्मार्ट गांव बनावेंगे, कि झांसी में नहीं आना है। सबसे अच्छा उपाय नोटा का वोट पड़ेगा, रोड नहीं बनेगा तो। अच्छा मतलब कि जहानाबाद में कोई वैसा कैंडिडेट नहीं है जिसको आप लोग पसंद कर? नहीं, इसीलिए इस बार नोटा। नोटा, चलिए वो तो वक्त बताया कि नोटा पे पड़ता है वोट कि किस पे पड़ता है। यही दादा है, हम गाँव मतलब की सड़क से गुजर रहे थे तो बोले कि हमारा गाँव की स्थिति बहुत खराब है। तो का है गांव की स्थिति खराब है? कोई यहां विकास का काम ही नहीं हुआ है सर। हमारा गांव में आज तक देश आजादी के बाद हम लोग जब जन्म से लिए हैं तो रोड के कुछ विकास का काम ही नहीं देखे, ना कोई सुविधा हम लोग को सरकारी सुविधा मिलता है। अच्छा, बिजली का देखिए बाद में इतना गिरा हुआ है कि कभी भी घटना घट सकती है, मतलब की तार बहुत नीचे में। जी जी, गिरा हुआ है जमीन में, सूता हुआ है 3-3 फेस, उसको कभी भी दुर्घटना हो। हाँ, आगे में है, दिखा भी सकते हैं सर चल के। जी, अरे मतलब कि ये सब अपार समस्या है और इस समस्या को समाधान करने के लिए कोई नेताजी नहीं दिख रहे? कभी कोई ऐबे नहीं करते हैं, कोई पूछे तो सिर्फ चुनाव का वक्त आता होगा तो नेताजी बस बस वो आया, वो भी ना भी आए तो भी अच्छी करके अपना खाली चल दिए। चलिए, गांव घर है और एक भैया है जो कि थ्रेसर को पेंटिंग कर रहे हैं और युवा भी लग रहे हैं। का काम हुआ भैया आप लोग के गाँव में? काम का होगा, 1985 से यहाँ रोड नहीं बना है। 1985 के पहले रोड था ना? रोड है ये नहीं है। अच्छा, आजादी के बाद यहाँ पे रोड नहीं बना? रोड है ये नहीं है ना बनवे की। आज तक आरजेडी के नेता रहे, बीजेपी के नेता रहे, कोई भी रहे। अच्छा, कोई नेता दिखाई नहीं देता है वोट देने के बाद, वो अपने आप ऐश की जिंदगी जी रहा है एसी में। आप क्या करते हैं? हम लोग ऐसे ड्राइवर हैं, मजदूर हैं। अच्छा, मतलब कि मध्यम परिवार से हैं, गांव घर के लोग हैं, तो हमको लगता है कि इसलिए भी नेताजी नकार नहीं देते हैं? हो सकते हैं, छोटे आदमी भी नहीं आते हुए। अच्छा, नेताजी समझ लेते हुए क्या है हसौर गांव में कौन जाए? हाँ, सही बात है। 5 साल में मतदान आता है, महापर्व इसको कहता है, जनता का लोकतंत्र का मतलब महापर्व। हाँ, ये 5 साल में रोज रोज नहीं है, दशहरा दिवाली हर साल आती है, बाकी ये चुनाव 5-6 साल पर आता है। बाकी नेता एक दिन आएगा वोट देने के लिए, इस बार तो आर पार लड़ाई है। हम सब न्यूज चैनल बता दिए हैं, न्यूज चैनल फोटो मांगा था हमने, चुनाव में आइए आप घर पहले आइए, आप बोला की फोटो, हम ऐसे फोटो थोड़ी देंगे, आप फोटो नहीं देंगे। इसलिए हम ये एक नहीं, अरुण कुमार सांसद देखे उस समय भी रोड नहीं बना। हाँ। इसके बाद हमारे पास 3-3 विधायक श्रेणी में विधायक एक तो लगता है मरल है, 2 किलोमीटर के अंदर में डेरा है। हाँ। आज गांव के नहीं आता, बताइए। हाँ। वो कैसा विधायक है? हाँ, हम तो दिल्ली में इसका लिखित ज्ञापन देंगे, कम से कम लालू जी को शिकायत करेंगे। हाँ। कि आप विधायक उसे चुन के भेजते हैं, कम से कम विधायक। अरे चुनते तो आप लोग ना भाई, चुनते तो हम ही लोग हैं, बाकी चुनला के बाद वो होता है कि आप अपना। हाँ, आप लोग तो पार्टी के नाम पे जात के नाम पे वोट दे देते होंगे, कहेंगे तो बुरा लगेगा। नहीं नहीं, पार्टी देखिए, पार्टी से वास्तविकता आपका हक है कि पार्टी में वोट पड़ता है, कोई भी सुदय जी के वोट नहीं पड़ता है, लालू जी के गरीब के कारण मसीहा कहला तो उसको वोट पड़ता है। सुदय जी को वोट नहीं पड़ता, लालू जी को पड़ता है। हाँ, लालू जी के, लालू जी के, लालू यादव के कारण जीत पाता है। अच्छा, लालू जी का क्या है जो आप लोग इतना मसीहा मानते हैं? मसीहा इसलिए मानते हैं, पहला बात मंडल आयोग, मंडल पार्ट 1, मंडल पार्ट 2, जो अभी इस बात जो जातिगत जनगणना हुआ तो सबसे बड़ा कार्यक्रम किए समझे बिहार के लिए, उससे आंकड़ा निकला। लोग कहता कि MBSM के नाम की उसका बेटा धक्का दिया, A to Z की पार्टी। हाँ। भाई एंड बाप की पार्टी, और इससे बड़ा क्या बता रही है? सही बात, सही बात है। आप जी क्या करते हैं भैया? हम गाड़ी चलाने ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं? हाँ। कहाँ से कहाँ गाड़ी चलाते हैं? जहानाबाद चलाते हैं। अच्छा, गए हैं जहानाबाद में? हाँ। तो ये रोड में आवे में कभी गाड़ी उड़ी पलटा उल्टा है? पलटा नहीं है, मैंने गाइडा उड़ा है, बनावे नहीं आता है, रोड उड नहीं बनता है नहीं। अच्छा, तो इस बार का माहौल है? इसे माहौल है कि यहाँ जब वोट लेना आता है तब भागता है, जब आपके आएगा तो उसको नीमन से उसको पर्सन करेंगे, आपकी बढ़िया से परीक्षा जाएगा ना? यस। बढ़िया से परीक्षा जाएगा। यहाँ पे बगल में मंदिर है और मंदिर के पास भी लगता है कि 2-4-5 लोग बैठे हुए हैं और प्रबुद्ध लोग लग रहे हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार वो लोग कहाँ चाहते हैं। यहाँ पे बगल में विद्यालय है और विद्यालय में पढ़ाई भी हो रहा है और हाँ 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 ठीक है, देख लेंगे। और इधर मंदिर है और मंदिरवा में चचा लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं, मतियाते हैं, देखते हैं। भाई इधर आइए गौतम जी। नहीं बताबू की नाम वाली चचा? अर्जुन कुमार। आए अर्जुन कुमार। अर्जुन जी एक बात बताइए, विकास उकास हुआ है आपके गांव में? विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। कुछ ना, कहा चाह लू?
रोड बन जाते यार, नाला बन जाते यार, रोड बनते हैं, नली गली बनते हैं, पर बिजली बत्ती लग जाते यार, जवाब आते यार, लाख कुछ होते हैं, नगर पालिका है ये है। उधर दिखाया गौतम जी, यहाँ पे विकास का आठवां मॉडल दिखता है आपको, 11,000 नीचे से गया है ना, नीचे से 11,000 गया है और ऊपर में मतलब कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है वो है, और बांधा हुआ है तार से, मतलब कि नॉर्मल वायर से, वो अगर खुल करके गिर जाएगा तो यहीं पे 2-4-5-10 लोग शहीद हो जाएगा। अब इसका भी समाधान करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। और उधर बगल में भी एगो चाची हैं जो कि पानी भर रहे हैं, देखते हैं इनसे भी बतिया करके भाई इनका क्या समस्या। खाना बनाते हैं दादी हाँ स्कूल में, आए ये नल ये डायरेक्ट है ना, अरे उरा कवा दलू तू, अरे तेरी कवारा ने पल्ला है से तेरी के टोटी मतलब खराब हो गया ना। अच्छा आपका घर कहाँ है? घर यहाँ सौरा पर ए है। तो अभी वोट पड़े के दिन आगलो केरा वोट दे मही केकरा वोट देबो? हां अच्छा छोड़ दे रही बांती वार्ड सदस्य बनवा देते रहा। हां बोल केरा वोट दे मही? कोई के ना देबो, कोई के ना देबो। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ के वो बोल रहे हैं कि नोटा के तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे, क्योंकि कोई भी नेता नहीं है जो कि इस गांव का विकास किया है, और इन लोग को ऐसा लगता भी है कि कोई भी नेता गांव का विकास नहीं करेगा। बाकी हम आपको स्टार्टिंग का दृश्य दिखाए, और उस दृश्य को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बरसात होता होगा, जब यहाँ पे कोई लोग को आना जाना होता होगा, हमको तो लगता है कि कुटुम मुटुम में सही भाग जाता हो कि गांव में रोड नहीं है, कौन शादी करेगा गांव में, है ना भैया? सही बात है, पता सबको खेत हो गया, सही बात है, सही बात है, सही बात है। नेताजी अथी कुटुम पहले भाग जाता हूँ, मतलब की जो समस्या है वो आपको दिखेगा इस गाँव में आएंगे तो। बाकी आप जहानाबाद के सांसद जो हैं परम आदरणीय चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। अगले एपिसोड में अगले गांव में जाकर के अलग अलग लोगों से वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।